हेलो एवरीवन, यह इस सीरीज का 23वां वीडियो है और इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी और बिहार के जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्व में आयोजित की गई उसके क्वेश्चंस को वन लाइनर के रूप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी क्विक रिविजन में और एग्जाम के पैटर्न को समझने में भी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 44वें बीपीएससी का जो क्वेश्चन है उसका पार्ट ए, यानी हम लोग दो पार्ट में इसको कवर कर रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी में आधे आधे क्वेश्चन को। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का डेट डिक्लेयर कर दिया गया है और आपके पास है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का, तो इन सब की भी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे अच्छे से। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग एक स्पेशल सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें आपका मैथ, साइंस, स्टैटिक, जीके सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। तो हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए फिर 44वीं बीपीएससी के जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, सही उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, और ये हुआ आपका 1992 और इसको इम्प्लीमेंट कराया गया था 1993 से। इसके बाद है, पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है, तो सही उत्तर होगा न्यायिक पुनरावलोकन, ये उसके अंतर्गत में नहीं आता है। जुडिशियल रिव्यू को कंसिडर नहीं किया जाता पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत में। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किस चीज का? अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा नागौर, उसका राजस्थान में, और ये इसकी स्थापना की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे, और इसके अंतर्गत जो है पहला पंचायत बना था नागौर, और ये बना था आपका 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। तो राजस्थान बना था पहला राज्य जहाँ पे पंचायत बनाए गए थे, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किस चीज का? तो सही उत्तर हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, थ्री टायर सिस्टम होता है ये। इसके बाद है, लोगों की हिस्सेदारी इसमें होती है और सामुदायिक विकास इसका उद्देश्य होता है। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से योगदान करता है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में। तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक। प्राथमिक में आपका होता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यानी कृषि और पशुपालन। द्वितीय में होता है विनिर्माण, और तृतीयक में होता है सेवाएं। तो सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। इसके बाद, किस पंचवर्षीय योजना काल के अंतर्गत कीमत स्तर गिरा था? सही उत्तर हो जाएगा प्रथम। प्रथम यानी पंचायती राज, सॉरी, पंचवर्षीय योजना अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना पहली जो थी उसका स्टार्टिंग होता है 1951, ठीक है, 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना चला, और ये कहा गया आपका हैरोड डॉमर मॉडल। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहली पंचवर्षीय योजना, और इसमें जो है कीमत स्तर वो गिरा था आपका, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद है, राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं, तो जो भी राष्ट्रीय लेखा से संबंधित कार्य होता है वो किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसके बाद है, कृषि वित्त का स्रोत है, तो सहकारी समितियां इसका स्रोत है, व्यापारिक बैंक भी है, और तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन तीनों से कृषि वित्त प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो फाइनेंस करता है ग्रामीण क्षेत्रों को, ठीक है, विकास के लिए। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो नाबार्ड फाइनेंस करेगा रूरल डेवलपमेंट के लिए, और नाबार्ड की स्थापना की गई थी कब? 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पे, यानी, और उसका काल कौन सा हो जाएगा? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में स्थापना की गई थी नाबार्ड की। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखेंगे हम लोग। दोस्तों, बहुत सारा स्टैटिक जीके आखिरी में हमारे पास हो जाएगा, लगभग लगभग 3500 से 4000 के करीब, ठीक है। तो प्लीज इस सीरीज से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए सीरीज से जुड़ने के लिए। भारतीय रुपये का महीने में दो बार अवमूल्यन किया गया था 1991 में। रुपए का अवमूल्यन किया जाता है, अवमूल्यन का मतलब हो गया कि जो भी फॉरेन करेंसी है उसके कॉम्पेरेटिवली रुपए का जो वैल्यू है उसको गिरा देना। बेसिकली ये किया कब जाता है? जब हमको निर्यात को प्रमोट करना होता है और आयात को घटाना होता है। नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में बैंकिंग प्रणाली का उच्चतम स्तर है, अंक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई ही सारा मॉनिटरी पॉलिसी को यहाँ पे कंट्रोल करता है भारत में। कौन सा कर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार के साथ उसकी हिस्सेदारी जो होती है वो शेयर की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी सेंट्रल एक्साइज टैक्स।
इसके बाद है भारत के किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है, किस देश से? तो उत्तर जाएगा यूएसए। पढ़ने में काम आने वाला लेंस बना होता है अवतल लेंस का। बल्ब में प्रयुक्त धातु है फिलामेंट, जो उसका होता है वो बना होता है टंगस्टन का। ठोस कपूर से गैस बनने की क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज करेगा स्टेट अगर, तो उसको बोला जाएगा सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन। धातु जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम। टरबाइन और डायनेमो से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो पूछ रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सामान्य ताप पर द्रव धातु है, सही उत्तर हो जाएगा पारा। सबसे सख्त है पदार्थ कौन सा, तो सही उत्तर हो जाएगा हीरा। शुष्क बर्फ कहा जाता है किस चीज को, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला गया शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। आगे है साबुन बनाने में काम आता है वनस्पति तेल। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। खाना बनाने में प्रयुक्त होता है आपका मीथेन। एनेस्थीसिया में प्रयुक्त हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, एनओ। खाने की वस्तुओं का परिरक्षण यानी उसको प्रिजर्व किया जाता है सोडियम बेंजोएट के द्वारा। पौधे और पेड़ का खाना बनाने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है एंजाइम। किसकी कमी से मधुमेह होता है, सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। और ये स्रावित होता है किससे, लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय से। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और त्वचा को सुरक्षित रखता है उसको बोला गया विटामिन सी, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका कौन सा, स्कर्विक एसिड। शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस, और डायलिसिस जो ऑर्गन काम करता है डायलिसिस के लिए बॉडी में वो है आपका किडनी। किसको, चालकोलिथिक, तो चालकोलिथिक बोला गया ताम्रपाषाण काल को बोला गया चालकोलिथिक एज। कौन सी बात बौद्ध और जैन धर्म, ये है नहीं है यहाँ पे जैन होगा, धर्म में समान नहीं है, सही तो हो जाएगा आत्मदमन। और जो समान बातें हैं वो है आपका अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, और रीति और रिवाजों की अस्वीकृति। जो कस्टम्स पुराने वाले थे उनको अस्वीकृत कर दिया गया था इसमें, और वेदों के प्रति भी उदासीनता थी दोनों धर्मों में। पाटलिपुत्र बसाया गया था उदयन के द्वारा। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ राजगीर में, और एक बार देख लीजिए इसको, तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ राजगीर 483 BC, ठीक है 483 BC, और राजगीर में। और इस समय जो मॉन्क होता है यानी जो धर्म गुरु होते हैं वो होता है महाकश्यप, महाकश्यप, और ये होता है आपका अजातशत्रु के समय में। और इस समय जो बुद्ध धर्म का जो ग्रंथ होता है वो होता है सूत पिटक और अभिधम्म पिटक को, सूत पिटक और विनय पिटक को कंपाइल किया जाता है, सूत और विनय को। इसके बाद दूसरा बौद्ध संगीत होता है आपका वैशाली में, शवाकामी मॉन्क होते हैं शवाकामी। इसके बाद ये होता है आपका काल अशोका के समय में, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र, और इस समय जो बुद्धिस्ट मॉन्क होता है वो है आपका तिशा, और राजा होता है अशोक। और इस समय कंपाइल किया जाता है जातक, बुद्ध धर्म का कौन सा, अभिधम्म पीठ। और चौथा बुद्ध संगति होता है आपका कश्मीर में कुंडल वन में, और इस समय जो मॉन्क होते हैं वो होते हैं आपके वसुमित्र, और राजा होता है कनिष्क। इस समय बुद्ध धर्म जो है वो दो भाग में बट जाता है, हीनयान और महायान में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। कौन सा राजा सिकंदर महाकिसमकालीन था, तो सही उत्तर हो जाएगा धनानंद। मौर्य वंश के पश्चात शासन किया भारत में सुंगों ने, पुष्यमित्र सुंग ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था, सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि धारण की और दूसरी बार में सुल्तान की, सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी। फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किस सुल्तान ने प्रयास किया, सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। इसने क्या किया था कि 1200 के करीब बाग लगवाए थे फल के। प्रथम कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच वार का तात्कालिक कारण पूछ रहा है, सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग।
इसके बाद 21 बादशाह को गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय को दाखिल होने से मना कर दिया उसने। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों की को सौली के स्थान पर हराया था? सही उत्तर हो जाएगा थॉमस वेस्ट ने, स्वैली। इसके बाद वंदे मातरम लिखा गया आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंदमठ उनका कॉम्पाइलेशन है, वहां से लिया गया है वंदे मातरम। किस अधिनियम के तहत कार्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 का एक्ट, और इसी समय नियुक्ति होती है 1786 यानी गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कार्नवालिस की। और लॉर्ड कार्नवालिस, ये कार्नवालिस जो है वो आपका उसी समय नियुक्ति होती है 1786 के एक्ट में। इसके बाद किस नेता ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? सही उत्तर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। कांग्रेस ने केवल इसमें पार्टिसिपेट किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और इसका अगर काल देखें हम लोग तो 1930, 1931 और 1932। उन्नीस सौ छह के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई दादा भाई नौरोजी, और ये अधिवेशन होता है आपका कोलकाता में। बिहार पर्पस से अगर देखें हम लोग तो तीन अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की गई थी आर मधोलकर के द्वारा। दूसरा हुआ था 1922 का गया अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की गई थी चितरंजन दास के द्वारा, ठीक है। और जो एक और इंपॉर्टेंट सेशन है बिहार से रिलेटेड वो है आपका 1936 का अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये हुआ था आपका फैजपुर गांव। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो गांव में आयोजित किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। आगरा की स्थापना की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। वैयक्तिक सत्याग्रह इंडिविजुअल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। किसकी नीति में दृष्टि में क्रिप्स जो प्रस्ताव था वो एक टूटते बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। पोस्ट डेटेड चेक, भारत छोड़ो क्रिप्स मिशन 1942, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी 8 अगस्त 1942 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जब उन्होंने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था 1939 में। उसके बाद उन्होंने एक अलग राजनीतिक संस्था बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से, और इसकी स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी 1930 में, 12 मार्च 1930 को ये शुरुआत किया गया, और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई पटना में, और ये किया गया था आपका उन्नीस सौ इसकी स्थापना हुई थी 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके प्रेसिडेंट जो थे वो थे आपके नरेंद्र देव, और पहली बार जो सेक्रेटरी बनाए गए थे इसके वो थे जयप्रकाश नारायण। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन तो बार 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 रिपीट होता है इधर। इसके बाद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्थान में, संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। और एक चीज और बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका इंडियन नेशनल यूनियन। इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और पहली बार अध्यक्षता की गई थी डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। इसके बाद है उग्रपंथी नहीं थे, तो उग्रपंथ में नहीं आते थे गोपाल कृष्ण गोखले, और थे इसमें लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल।
महात्मा गांधी 1931 में कहां से खाली हाथ लौटे, उत्तर जगह लंदन से 1931 यानी 5 मार्च 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता। उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो जाते हैं, जाते हैं ये लंदन, वहां से इनको कुछ नहीं मिलता है और ये वहां से खाली हाथ वापस लौटते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 को 5 मार्च। इसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, संयुक्त हो जाएगा 1920 में, और ये समाप्त कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद। जयप्रकाश नारायण जुड़े थे किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इनको बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर बंद किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग के जेल में, और वहां से ये लोग फरार हो गए थे। गद्दी लोग निवासी हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है किस कहां की जनजाति है गद्दी, सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मानस नदी उपनदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। शिव समुद्रम जल प्रपात है किस नदी पे, कावेरी। इसके बाद गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। किस नदी का पथ परिवर्तन सबसे ज्यादा है, ऑप्शन दिया था कोसी, सोन, गंडक और गंगा में से, तो सही उत्तर हो जाएगा कोसी का। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली बनाती है नर्मदा, और एक जलप्रपात है नर्मदा पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है धुआंधार जलप्रपात एमपी का, मध्य प्रदेश का। और सोन नर्मदा और महानदी निकलती है कहां से, अमरकंटक से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 45वीं बीपीएससी का, जो भी 44वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन है उसका पार्ट ए अभी हमने देखा है, उसका पार्ट ए यानी आधे क्वेश्चन को देखा है वो लाइनर के रूप में। इसका अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग कवर कर लेंगे पूरा 44वीं बीपीएससी को। तो ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये आपके लिए। धन्यवाद।